फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध कुटज की। कुटज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक ललित निबंध है। इस पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय जान लें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के एक मूर्धन्य साहित्यकार हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ओझवलिया नामक गांव में हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इसके अलावा इन्होंने हिंदी निबंध साहित्य को भी समृद्ध किया है। हिंदी निबंध साहित्य में इन्होंने जो कुछ लिखा है उसका आधार बहुत कुछ हमारे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, वैसे ऐतिहासिक पेड़ पौधे जिनका अपना एक सांस्कृतिक महत्व है। कुटज भी इन्हीं में से एक है। कुटज एक छोटा सा ठिगना सा पेड़ है। यह हिमालय की तलहटी में पाया जाने वाला प्रमुख पेड़ है। यह वैसे वातावरण में पैदा होता है जहाँ ना तो अधिक नमी है, ना ही वहाँ पानी की गुंजाइश हो। पथरीली जमीन पर भी यह आसानी से पनप जाने वाला है। वैसे तो कुटज संपूर्ण भारत में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। वैसे ही शिवालिक की तलहटी में जहाँ पर नमी का सर्वथा अभाव सा है। इसकी पत्तियाँ हरी चौड़ी होती है। यह सालों भर हरा भरा रहने वाला पेड़ है। इसमें सफ़ेद फूल भी आते हैं और इसमें बीज भी आते हैं। इसकी फलियों में जो बीज पाया जाता है उसे इंद्रजौ के नाम से जाना जाता है और यह अनेक प्रकार की बीमारियों में औषधियों के काम आता है। कुटज की चर्चा संस्कृत साहित्य में बार बार हुई है। संस्कृत साहित्य से लेकर आज तक कुटज ने अपना साहित्य में स्थान बनाकर रखा है। कुटज के अन्य कई नाम भी हैं, विभिन्न नामों से कुटज को जाना जाता है, लेकिन द्विवेदी जी इसे नाम की अपेक्षा व्यक्तित्व से ज़्यादा जानते हैं। द्विवेदी जी ने कुटज को गाढ़े का साथी कहा है। गाढ़े का साथी अर्थात दुख का साथी। दुख का साथी इसलिए कहा है क्योंकि जब यक्ष रामगिरी पर्वत पर बादलों के माध्यम से अपना संदेश अपनी प्रेमिका को भेज रहा था तो बादलों को देने के लिए, बादलों की वंदना करने के लिए, उसकी अभ्यर्थना करने के लिए या उपहार देने के लिए उसके पास कोई दूसरे फूल नहीं थे। यक्ष ने कुटज के फूल ही बादलों को अर्पित किए थे। अर्थात वैसे समय में जब यक्ष के सामने कोई सहायक नहीं था, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था कि वह अपनी प्रेमिका को संदेश कैसे पहुंचाए, वैसे समय में कुटज ने उसे सहायता दी थी। कालिदास जैसे संस्कृत के महाकवि ने जिस कुटज को अपने काव्य में इतना बड़ा सम्मान दिया हो, वह कुटज वास्तव में सम्मान पाने के योग्य है। कालिदास ने अपने मेघदूतन में इसका जिक्र किया है क्योंकि यह यक्ष के काम आया था, यक्ष के बुरे समय में काम आया था। इसके बावजूद कुटज को वह सम्मान नहीं मिल पाया जो सम्मान उसे मिलना चाहिए था। यहाँ तक कि रहीम जैसे कवि ने भी उसकी उपेक्षा कर दी। द्विवेदी जी को ऐसा लगता है कि शायद कवि रहीम ने किसी भावावेश में आकर ही कुटज को सम्मान नहीं दिया होगा, वरना कुटज जो है हर प्रकार से सम्मान के योग्य है, उसे सम्मान मिलना चाहिए। कुटज को जो सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान उसे नहीं मिल पाया तो यह कोई बड़ी घटना नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया में ऐसा होता आया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कवि रहीम भी अपने समय के बड़े कवि थे। आज भी उनके साहित्य को हम बड़े आदर से पढ़ते हैं, लेकिन कवि रहीम को भी वह सम्मान नहीं मिल पाया जो सम्मान उन्हें अपने जीवन में मिलना चाहिए था। यहाँ तक कि अपने अंतिम समय में उन्हें भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ा था। आगे द्विवेदी जी ने कुटज शब्द की उत्पत्ति पर विचार किया है। कुटज शब्द केवल हिंदी भाषा में नहीं है, केवल संस्कृत भाषा में नहीं है, यह विभिन्न भाषाओं में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से द्विवेदी जी को ऐसा लगता है
कि यह आग्नेय परिवार की भाषा है, यानी दक्षिण पूर्व की भाषा है। इतना ही नहीं, आज की जो आदिवासी जातियां हैं, जनजातियां हैं, उसमें भी ऐसी भाषाएं बोली जाती है जिसमें कुटच शब्द का इस्तेमाल किया गया है। द्विवेदी जी ने कुटच को अवधूत माना है। अवधूत यानी जो संसार में रहकर भी सांसारिकता में लिप्त नहीं होता हो। कुटज केवल जन कल्याण के लिए जीता है, इस संसार की भलाई के लिए जीता है, और यही कारण है कि अपनी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही वह विषम परिस्थितियों भी लहराता रहता है, खिलखिलाता रहता है। याज्ञवल्क्य एक बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए यह कहा था कि इस दुनिया में प्रेम कहीं कुछ भी नहीं है, केवल स्वार्थ है। केवल स्वार्थवश एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं। पति का पत्नी से प्रेम या पत्नी का पति से प्रेम, बेटे का माँ से प्रेम, पिता का पुत्र से प्रेम, यानी जो भी प्रेम है वह स्वार्थ पर आधारित है। लेकिन कुटज ऐसा नहीं है। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वह केवल जनकल्याण के लिए जीता है। कुटज के संदर्भ में द्विवेदी जी ने भीष्म पितामह की चर्चा की। भीष्म पितामह भी एक अवधूत थे। भीष्म पितामह की तरह अवधूत भी हमारे सामने यह घोषणा करता है कि संसार में जो कुछ भी मिले, दुख हो, सुख हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, सबको समान भाव से हमें ग्रहण करना चाहिए। कुटज के माध्यम से द्विवेदी जी कहते हैं कि सुख या दुख तो मन के विकल्प है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सुख को ग्रहण करें या दुख को ग्रहण करें। जो व्यक्ति अवधूत होते हैं वे दोनों को समान भाव से ग्रहण करते हैं। अगर हमारा मन सुख या दुख से विचलित होता है तो इसका अर्थ यह है कि हमारा अपने मन पर वश नहीं है। जिसका अपने मन पर वश नहीं है वह व्यक्ति संसार में दुखी होता है, क्योंकि वह मन पर सवारी नहीं करता, मन उस पर सवारी करता है। जो मन पर सवारी करता है वह व्यक्ति इस संसार में अवधूत की भांति रहता है, उसका जीवन हमेशा सुखी रहता है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है। अब हमें विचार ये करना है कि कुटज के माध्यम से द्विवेदी जी ने हमें क्या संदेश देना चाहा है। आखिर वैसी कौन सी बात है जो इसमें छिपी हुई है। कुटज के माध्यम से द्विवेदी जी ने हमें यह कहना चाहा है कि जो अवधूत होते हैं, जो इस संसार के उपकार का कार्य करते हैं, उन्हें जीते जी वह सम्मान नहीं मिल पाता है जो उन्हें मिलना चाहिए। यह हमारी दुनिया की रीति है कि हम अच्छे व्यक्ति का सम्मान उसके मरने के बाद करते हैं, जीते जी उसे वह सम्मान नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए कोपरनिकस हैं। कोपरनिकस इस संसार का पहला व्यक्ति था जिसने बाइबल के विरुद्ध यह कहा था कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य नहीं लगाता है, बल्कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है। बाइबल में ऐसा नहीं कहा गया था, इसलिए उसे धर्म विरोधी करार दिया गया, उसे जिंदा जला दिया गया, क्योंकि उसने धर्म के विरुद्ध, परंपरा के विरुद्ध बात कही थी। ईसा मसीह ने इस संसार को प्रेम, सत्य, अहिंसा और भाईचारे का संदेश दिया। बदले में उन्हें क्या मिला? उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। महात्मा गांधी का नाम आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इस संसार को सत्य, अहिंसा, प्रेम का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया। लेकिन महात्मा गांधी का अंत किस प्रकार हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। कहने का भाव यह है कि द्विवेदी जी ने कुटज के माध्यम से यह कहना चाहा है कि वैसा व्यक्ति जो संसार का उपकार करना चाहता है, वैसा व्यक्ति जो जन सामान्य की बातें करता है, उसके हित की बातें करता है, जो संस्कृति का रक्षक होता है, जो मनुष्य को अंधविश्वास से बाहर निकालना चाहता है, वैसे व्यक्ति का हश्र बुरा होता है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य में लगे रहते हैं, वे अपने पद से विचलित नहीं होते हैं, और यही कारण है कि वे संसार में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं।
फुटेज के माध्यम से द्विवेदी जी ने ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में संदेश देना चाहा है। मैं आशा करता हूँ कि अब यह पाठ कुटज आपकी समझ में आ गया होगा। वैसे तो यह पाठ अपने आप में काफ़ी विस्तृत है, लेकिन मैंने यह प्रयास किया है कि कम से कम समय में इस पाठ के जो मूल तत्व हैं वो आपकी समझ में आ जाए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।